कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत के दौरान क्या कुछ खास कहा, सुन लेते हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी बैठक में तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। सर, लगातार दूसरा दिन टिकटों को लेकर के इस समय मंथन चल रहा है कि किन उम्मीदवारों को टिकट दी जाए ताकि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को आप देख रहे हैं। कल की बैठक में क्या हुआ, आज क्या खास रहने वाला? देखिए, कल तो जिले के लोगों से प्रारंभिक चर्चा राजनीतिक हालात के बारे में, राजनीतिक परिदृश्य क्या है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीते, ऐसे अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। आज 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव समिति में चर्चा की जाएगी और उसमें कौन कौन से नाम आते हैं उन सब पर चर्चा होगी और पैनल एक तरह से यहाँ पर तैयार होंगे। पैनल में कितने प्रत्याशियों की लिस्ट होगी? देखिए, 3 से लेकर 5 लोग हो सकते हैं यार पैनल में, लेकिन पैनल बनने के बाद सीसी को जाएगा और वहाँ आखिरी मोहर उनमें से वहाँ पर लगेगी। कब तक आने की संभावना है सर पहली लिस्ट? देखिए, ये तो अब हमारा केंद्रीय नेता जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो कब मीटिंग करेगी और हमारा केंद्रीय नेता कितने फेसिस में टिकटों का घोषणा करता है वो तय करेंगे। सर, इस बार बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी सर, क्योंकि तीसरी बार आप सरकार दावा नहीं कर रहे, तीसरी बार बनेगी सरकार। हमको हरियाणा के 2,01,00,000 मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। जैसे केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा की जनता पर हमको विश्वास है, भरोसा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। और ये हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसी की हरियाणा में उसी दल की सरकार हमेशा, ये ट्रेंड है, बनती है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन ऐसा कांग्रेस के साथ तो हुआ नहीं था, 2004 और 2009 उनकी भी 10 साल सरकार रही थी लेकिन 14 में वो नहीं बना पाए। लेकिन उनकी भी थी 10 साल, 2004 और 9 में थी, 14 में उनकी नहीं थी, तो 2 में उनकी रही, 4 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 9 में केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो उनकी सरकार बनी। 14 में नहीं बनी ना सर, तीसरी बार की बात, 14 में उनकी सरकार नहीं थी, 14 में बीजेपी की सरकार आई। आपकी बार भी जैसे 10 साल आपको हो गए हैं, आपने कहा कि जो केंद्र में बनती है, बात 10 साल की नहीं है। हरियाणा के लोग डबल इंजन की सरकार में विश्वास करते हैं, क्योंकि हरियाणा का विकास चाहिए, हरियाणा की तरक्की चाहिए, इसलिए केंद्र की जिस सरकार होती है उसी को हरियाणा उसी की सरकार बनाता है। और 2014 में बीजेपी की सरकार थी तो बनी, 2019 में बीजेपी की सरकार तो बनी, 2024 में अब फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। धन्यवाद, आपने सुना केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी जो मजबूत होगा और साथ ही और